बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ क्लास। आज इंग्लिश का पहला यूनिट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ वन से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स एंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रेवलर्स। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लम वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 miles फ्राम द रेड सी। अरेबिया इज़ अ लैंड, अरब एक सरजमीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, बेमिसाल दिलकशी की एंड ब्यूटी और खूबसूरती की। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेनशान सहराओं के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेतले टीलों के, इन द डेजलिंग रेज, चमकती किरणों में, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की। इट्स स्टारी स्काई, इसके तारों भरे आसमान ने, हैज़ एक्साइटेड गरमाया है द सैंड द इमेजिनेशन, तखय्युल को, ऑफ पोएट्स, शायरों के, एंड ट्रेवलर्स और सियाहों के। इट वॉज इन दिस लैंड, यही सरजमीन थी, दैट द रसूल सल्लम वॉज बॉर्न, जहाँ रसूल सल्लम पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 miles, जो तकरीबन 50 मील दूर है, फ्राम द रेड सी, बहीरा अहमर से। पैराग्राफ नंबर टू देखते हैं। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The Arabs, Arab possessed, मालिक थे, a remarkable memory, याद, हैरानकुन याददाश्त के, and were an eloquent people, और फसीह बलीग लोग थे। Their eloquence, उनकी फसाहत, and memory, और उनकी याददाश्त, found expression, का इजहार होता है, in their poetry, उनकी शायरी में। एवरी ईयर, हर साल, अफेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक़द होता था, फॉर पोइटिकल कम्पटिशन, शायरी के मुकाबलों के लिए, एट उकास, उकास के मुकाम पर। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ खलीद बिन वलीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ़ हज्जी के हर हरफ के बदले में, 100 long poems, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, मुख्तसर हिस्सों को शुमार किए बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड, और वो तमाम लिखी गई थी एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर पर, बाय पोएट्स, शायरों ने, बिफोर द प्रोमुलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशात से पहले। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये छोटा अजूबा नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह कादर मुतलक ने, चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को चुन लिया, फॉर इज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम फैलाने के लिए, एंड प्रजर्वेशन, और महफूज करने के लिए, ऑफ इस वर्ड, अपने कलाम को। तो प्री नाइन स्टूडेंट, इस लेसन को आप अच्छी तरह लर्न करेंगे।